और आ गए हम लोग दुधनी लेक। जबरदस्त नजारा। You should come here at least once. पानी देखिए यार पूरा जाता है। बिल्कुल कश्मीर की भांति यहाँ पर सिकारा सिस्टम है। देखिए किस तरह से बना के रखा हुआ है। यू कैन लिटरली, ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा गैप है और यू कैन लिटरली जंप वॉक ओवर हियर। और जब मैं चल रहा हूँ ना तो ये इस तरह से अंदर घुस रहा है। इट इज़ वेरी सॉफ्ट, ऐसा भास हो रहा है कि पानी है इसके नीचे। और ये शिकारा के अंदर देखिए बड़े मज़े से आप बैठ सकते हो। कंसिट लैविश लियर फूल वूल जमा के रखे हुए हैं भाई साहब। ब्यूटीफुल दोनों बाजू देखिए, बोथ द साइड्स। और एक ये शिकारा आ रहा है, लेट्स चेक दिस आउट। ब्यूटीफुल चलने का भी मजा अलग है इसमें। यू कैन फील द वॉटर विद इन योर फीट, दैट इज सो ब्यूटिफुल। हाय करो भैया, ये हजारों लोग देखेंगे। थैंक यू। ब्यूटिफुल। जो मैंने आपको पहले व्यू बताया था दोस्तों, वो इस साइड पे खड़े होकर बताया था, बट नाउ हम लोग एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड आए हुए हैं। और यहाँ का नज़ारा देखिए आप। जो ब्रिज की मैंने बात की थी वो ये ब्रिज है, एंड वी हैव कम दिस साइड। सो सीरीन, सो पीसफुल। Right? I hope you loved this view. ये दृश्य देखने लायक है। फैमिली नंबर वन, फैमिली नंबर टू। ये देखिए किस तरह से एक अनोखी सीटिंग अरेंजमेंट बनाई है इन्होंने। ये जो कुर्सियां हैं ये टायर से बनाया है और This is being made handmade, totally handmade. चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके
चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है चोरी चोरी हमसे तू आकर मिले थे जिस जगह चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह मुद्दतें गुजरी पर अब तक वो ठिकाना याद है। जो गार्डन में मैं एंट्री करने वाला हूँ इसको बोलते हैं तपोवन टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स वृंदावन दादरा नगर हवेली। चलिए गार्डन देखते हैं। इट साउंड्स इंटरेस्टिंग। एक बहुत ही अच्छे गार्डन में मैं आया हूँ और शिव जी की प्रतिमा देखकर दिल बाग बाग हो गया। यहाँ पर कुछ अच्छी जानकारी दी है नेशनल एनिमल और इसका जो है मेरे ख्याल से उसका एक अलग से नाम दिया गया है। हमारा नेशनल सिंबल क्या है? दिस इज अवर नेशनल सिंबल है ना, हमारे हर नोट में होता ही अशोक। जय हिंद नेशनल फ्लैग। और अच्छी जानकारी दी है दोस्तों। व्हाट अ वंडरफुल गार्डन दिस इज। और गार्डन के वो बाजू पानी है। हमारा नेशनल फ्लावर कौन सा है? मेरे ख्याल से ये जो लैंग्वेज है लैटिन लैंग्वेज है, उसका लैटिन नाम है या फिर कुछ बायोलॉजिकल नाम है उसका। कमल। और नेशनल वाटर एनिमल कौन सा है? मीठे पानी की डॉल्फिन। दिस इज द बायोलॉजिकल नेम। और हमारा नेशनल ट्री कौन सा है? अच्छे से सिंबलाइज भी किया है, देखिए दिस इज अवर नेशनल ट्री। बरगद का पेड़। सो नेशनल सॉन्ग कौन सा है हमारा? वो है वंदे मातरम। बहुत अच्छे से इसको लिखा गया है। आई रियली अप्रिशिएट जिसने भी ये किया हुआ है, बहुत अच्छा किया हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय महा मतलब मंथ, इंडियन मंथ। वैसे तो हम लोग जनवरी फरवरी समझते हैं यहाँ का, लेकिन हमारे जो हिंदू कैलेंडर है चैत्र ज्येष्ठ श्रावण अश्विनी वैशाख। बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन। ये नेशनल पंचांग है हमारा। 22 मार्च 1957 से अपनाया गया था। कुछ कुछ चीज़ें तो मुझे यहाँ पे आकर मालूम हुई है। और ये हमारा नेशनल एंथम। नेशनल सॉन्ग कौन सा है? वंदे मातरम। नेशनल एंथम तो बच्चे बच्चों को मालूम होना चाहिए और होता ही होगा। ब्यूटीफुल। ये देखिए कितना अच्छे से नेशनल फ्रूट मैंगनीफेरा इंडिका। मुझे पहली बार इसका बायोलॉजिकल नेम पता चला। और नेशनल बर्ड पैबो क्रीस्टेटस। ओके, जिसको हम मोर बोलते हैं, भारतीय मोर। और
नेशनल करेंसी रुपीस। देखो अच्छे से यहाँ पर ये सिक्के का कॉइन लाला है और यहाँ पे एक रुपए की नोट है ना, लाजवाब है। जो चीज़ हमें मालूमात होनी चाहिए, जो चीज़ हमको मालूमात होनी चाहिए, सभी ये गार्डन में बताया गया है। और तो ये गार्डन का नाम बिल्कुल उल्टा आ रहा है, तपोवन गार्डन। आई होप दैट यू लाइक द इन्फॉर्मेशन। वैसे ब्लॉग बनाने की आदत तो है नहीं मुझे, बट आई थॉट दैट आई शुड मेक अ ब्लॉग।